आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द डायग्राम गिवन हेयर इज द स्टैंडर्ड ई सी जी ऑफ अ नॉर्मल पर्सन द पी वेव रिप्रेजेंट द यहाँ पे देखिए पी वेव जो रिप्रेजेंट होती है वो पर्टिकुलरली एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है एट्रियम का डीपोलराइजेशन होता है तो एट्रियम डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करती है पी वेव ठीक है और सिमिलरली क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ठीक है और यहां पे ये यह जो टी वेव है टी वेव रिप्रेजेंट करती है रीपोलराइजेशन और वो रीपोलराइजेशन किसका है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन ठीक है तो यहां पे पी वेव के लिए पूछा है तो यहां पे बिगनिंग ऑफ द सिस्टोल इनिशिएशन ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन गलत हो गया बिगनिंग ऑफ द सिस्टोल ये भी गलत हो गया सिस्टोल किसका एट्रियम या वेंट्रिकुल एंड ऑफ सिस्टोल नहीं होगा कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया बिल्कुल जब एट्रियम का डीपोलराइजेशन होता है तो डीपोलराइजेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होगा बोथ द एट्रिया का सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन क्लास 6 से ट्वेल्थ से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नटा या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर